हिंदू माइथोलॉजी का कहना है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, जिन्होंने सूर्य वंश की स्थापना की। विवस्वान के ही पुत्र थे मनु, जिनसे माना जाता है मनुष्य जाति की उत्पत्ति। मनु के वंशज हुए इक्ष्वाकु, जिन्होंने अयोध्या नगरी, अयोध्या को राजधानी और इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। इक्ष्वाकु के ही वंशज थे पृथु, जिनके कारण पृथ्वी नाम पड़ा। पृथु के वंशज थे राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के वंशज थे भरत, भरत के बाद हुए सगर, जिनके नाम पे गंगा सागर नाम पड़ा है। भरत के ही वंशज थे दिलीप, दिलीप के ही वंशज थे भागीरथ, जिन्होंने गंगा का अवतरण पृथ्वी पे कराया। भागीरथ के बाद हुए रघु, जिनके नाम पे हम लोग बोलते हैं रघुकुल रीत, सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु के वंशज हुए अज, जिनके पुत्र थे राजा दशरथ, और राजा दशरथ के पुत्र थे राम। इस प्रकार ब्रह्मा के 59वें वंशज हैं। जय श्री राम। धन्यवाद।